हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो है बात करने वाले हैं ब्लड क्लॉट के बारे में। मतलब कि कहीं पर बॉडी में कट छट जाता है तो वहां पे जो ब्लीडिंग होता है वो ब्लीडिंग जो है वो कैसे रुकता है, मतलब कि वहां पे जो है क्लॉट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ब्लड क्लॉट जो है वो कैसे बनता है। ब्लड क्लॉटिंग जो है एक टेम्पररी जो है वो मैकेनिज्म है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। ये ब्लड क्लॉट क्या होता है कि इमिडिएट जैसे ही ब्लीडिंग होता है वैसे ही जो है जा करके अपना एक्शन दिखाता है और वहां पे जो है टेम्पररी आप लोग को जो है वो ब्लीडिंग को रोकने का काम करता है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है वीडियो में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो जब भी हम लोग के कहीं पर भी कट लगता है तो वहां पे ब्लीडिंग होता है, मतलब कि हम लोग का जो है वो ब्लड वेसल जो है वो कट चुका है, ठीक है। जब तक ब्लड वेसल कटेगा नहीं, ओनली जो है टिश्यू एरिया में अगर कट लगा है तो वो जो है वहां पे ब्लीडिंग नहीं होगा। अगर जब तक ब्लड वेसल कटेगा नहीं तब तक जो है वो ब्लीडिंग देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ब्लड वेसल जो हम लोग के बॉडी में होता है वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे आर्टरी हो गया, अरोटा हो गया, आर्टरियोल्स हो गया, कैपिलरी हो गया, वेन वेन्यूल्स, ये सब जो है वो ब्लड के टाइप है, ब्लड वेसल के टाइप है, ठीक है। जिसमें से जो है सबसे जो बड़ा ब्लड वेसल रहेगा उसको अरोटा बोलते हैं। ये हार्ट के सबसे नजदीक रहता है, हार्ट से ही निकलता है, ठीक है। और जो सबसे जो छोटा जो ब्लड वेसल रहता है वो कैपिलरी रहेगा, मतलब कैपिलरी ही है जो हम लोग को जो सेल तक जो है वो गया हुआ है। इसी से जो है कोई भी मटेरियल ऑक्सीजन वगैरह जो सेल तक जो है वो पहुंचता है कैपिलरी ब्लड वेसल के थ्रू, ठीक है। तो ये कैपिलरी जो होता है सबसे पतला और थीन मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, ओनली वन सेल से मिल करके ये बना हुआ होता है कैपिलरी, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे ये यह एक टिश्यू का सैंपल है, ठीक है। तो बीच में क्या हो गया, जो है मेन ब्लड वेसल है वो हो गया, और इसके ब्रांचेस जो है वो इस तरह से निकले होते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कि कैपिलरी है। तो कैपिलरी ही क्या करता है कि जो टिश्यू तक जो है वो ब्लड सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी अगर टिश्यू इंजरी होता है, टिश्यू को यहाँ पे कट लगेगा तो ब्लड वेसल भी कटने का जो है संभावना रहता है, कैपिलरी भी जो है वो कट सकता है, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग का जो है वो कुछ स्टेप्स होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जो है चार स्टेप होते हैं, चार स्टेप में जो है पूरा जो है ब्लड क्लॉट होता है पूरी तरीके से, ठीक है। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है वो होता है वेजो कंस्ट्रिक्शन, फिर सेकेंड में होगा प्लेटलेट प्लग का फॉर्मेशन होना, फिर कोएगुलेशन होगा, ठीक, फिब्रिनोलाइसिस होगा, ठीक है। ये चार स्टेप होता है, इसको हम लोग बारीकी से देखेंगे। ब्लड क्लॉटिंग में जो है सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रोल करता है वो प्लेटलेट रोल करता है, ठीक है। हम लोग के ब्लड में जो है वो तीन तरह का ब्लड सेल प्रेजेंट होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, ठीक है। तो प्लेटलेट जो है वो मुख्य जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो है वो जिम्मेदार है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लीजिए कि हम लोग फर्स्ट स्टेप देखते हैं कि वेजो कॉन्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है। वेजो मतलब होता है कि ब्लड वेसल, और कॉन्ट्रैक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना, ठीक है, ब्लड वेसल का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होना। जैसे मान लीजिए कि ये क्या है, एक डैमेज जो है वो ब्लड वेसल है, ठीक है। क्या है ये डैमेज ब्लड वेसल है, मैंने ये कैपिलरी का ब्लड वेसल लिया हूँ, क्यों, क्योंकि यही जो है टिश्यू तक जा रहा है तो यही डैमेज होगा सबसे पहले, ठीक है। तो जो कैपिलरी का जो मेम्ब्रेन जो रहेगा वो सिंगल सेल से मिल करके बना हुआ रहता है, तो ये बहुत पतला रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि और इसके ब्लड में जो है वो क्या रहेगा, प्लेटलेट ये है बीच में, ठीक है, प्लेटलेट यहाँ पे जो है डैमेज हो रखा है इतना एरिया, ठीक है। तो जो डैमेज जहाँ पे डैमेज हुआ है उसके जो नजदीक जो यहाँ पे जो टिश्यू रहेंगे या फिर जो सेल रहेगा वो क्या करता है कि जो एक रिलीज करता है, एक केमिकल रिलीज करता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं थ्रोम्बोक्सेन नाम का जो है वो एक केमिकल रिलीज करता है। ये जो डैमेज जो रैप्चर जो मेम्ब्रेन है वो जो है वो क्या करता है, ये केमिकल जो है वो रिलीज करता है, ठीक है। तो जैसे ही ये केमिकल रिलीज करेगा वैसे ही क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में जैसे ही डैमेज होगा वो केमिकल रिलीज करेगा डैमेज टिश्यू। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जैसे ही केमिकल रिलीज हुआ तो जो ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट मौजूद है वो क्या हो जाएगा, अस्टिकी हो जाएगा। अस्टिकी मतलब कहने का चिपचिपा टाइप का हो जाता है प्लेटलेट। यहाँ पे मैंने यहाँ पे राउंड राउंड दिखाया हूँ, यहाँ पे जो इस तरह का दिखाया हूँ ताकि आप जो है दोनों में डिफरेंस समझ सके। ये अस्टिकी प्लेटलेट को मैंने इस तरह से जो है वो दर्शाया है, ठीक है। तो अस्टिकी होने के बाद क्या होता है कि जो अस्टिकी प्लेटलेट है वो क्या करेगा, जो जा करके थर्ड नंबर में वो प्लेटलेट जहां पे जो डैमेज जो वॉल है
उस पे जाकर के चिपक जाना, क्योंकि ये चिप चिप चिपी हो चुकी है। तो जो क्या करता है कि जो डैमेज जो ब्लड वॉल है, जो ब्लड वेसल का वॉल है, वहां पे जाकर के चिपक गया है। देखिए यहाँ पे कुछ जो है वो चिपक गया, कुछ कुछ पूरा नहीं चिपकता, कुछ कुछ जाकर के चिपक जाता है, ठीक है। और कुछ अभी भी जो है वो खाली यहाँ पे जगह बचा हुआ है, ठीक है, पूरी तरह से जो है वो बंद नहीं हुआ, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो ये चिपके हुए जो वॉल में जो चिपका हुआ जो ये जो स्टिकी जो ये प्लेटलेट है, वो क्या करेगा, एक और केमिकल रिलीज करता है, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5-HT या फिर सेरोटोनिन नाम से हो, इसको हम लोग केमिकल को जानते हैं, ठीक है। तो ये स्टिकी प्लेटलेट क्या करते हैं, ये केमिकल रिलीज किया सेरोटोनिन, ठीक है। और जो शुरू में क्या हुआ था कि जो डैमेज जो वॉल था वो थ्रोम्बोक्सेन नाम का केमिकल रिलीज किया था। तो ये केमिकल और सेरोटोनिन दोनों मिल करके क्या करते हैं, वेजो कॉन्ट्रिक्शन का काम करेंगे। वेजो कॉन्ट्रिक्शन का मैंने बताया था, वेजो मतलब ब्लड वेसल हो गया, और कॉन्ट्रेक्शन मतलब कॉन्ट्रैक्ट करना, मतलब कि जैसे ये ब्लड वेसल है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, एक दूसरे के साइड में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये आपस में जा करके जो है वो चिपक जाएगा। तो चिपकने के बाद जो इस तरह से हो गया दोस्तों, तो ये जो है वो टेम्पररी जो है वो इस तरह से हो रुका है। अब जो सेकेंड स्टेप है, तो अब इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही जो है वो वेजो कॉन्ट्रिक्शन हो गया, उसके बाद क्या होगा, फ्लग का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फ्लग मतलब क्या होता है कि बहुत सारे प्लेटलेट जो है वो एक साथ मिल करके जो है वो रहेंगे, ग्रुप ऑफ प्लेटलेट को हम लोग जो है वो फ्लग बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, फ्लग का फॉर्मेशन होगा, कैसे होगा, तो जो ये ब्लड वेसल था जिसमें जो क्या हुआ था कि ये जो स्टिकी प्लेटलेट था वो क्या करती है कि एक केमिकल रिलीज करती है जिसको हम लोग जो है एडीपी नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो चिप वॉल में जो चिपका हुआ जो स्टिकी प्लेटलेट है वो रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जो ब्लड में और जितने भी सारे स्टिकी प्लेटलेट बचे हुए हैं या फिर है मौजूद, उसको क्या करेगा, ये अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करता है, इस केमिकल के थ्रू जो है वो क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा कि वो इस तरह से जो है वो जा करके चिपकने लगते हैं ऊपर में इसमें ब्लड वेसल में, ठीक है। तो इतना मोटा नहीं रहता है, एक ब्लड वेसल के टाइप यहाँ पे बॉल है उतना ही पतला ही रहेगा। मैंने यहाँ पे शो कर दिया बड़ा टाइप का, यहाँ पे इतना नहीं तो फिर ब्लड वेसल जो है वो जाम हो जाएगा, ठीक है, इतना नहीं रहता। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने ज्यादा जो है वो प्लेटलेट स्टिकी प्लेटलेट जा करके जुड़ेंगे उतने ज्यादा जो है क्या होगा, एडीपी जो केमिकल है वो रिलीज होगा। तो और जाकर के ज्यादा जो है वो प्लेटलेट का फ्लग बनेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि प्लेटलेट का जो है पूरा फ्लग बनता है, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोएगुलेशन। कोएगुलेशन मतलब क्या होगा कि यहाँ पर प्लेटलेट का जो फ्लग बन गया, उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक जो है वो जाली टाइप का जो है वो ऐसा जाली टाइप का बनता है, ठीक है। ये जाली जो है वो फिब्रीन का बना हुआ होता है जाली, ठीक है। फिब्रीन मेस बोलते हैं, मेस मतलब क्या होता है, जाल। इतना बाहर तक नहीं रहता, ये जो मेम्ब्रेन है इतना ही तक रहेगा, ठीक है, इसी के अराउंड में। मैं यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जाली टाइप का बनता है, ठीक है। तो ये कैसे बनता है, हम लोग के जो ब्लड होते हैं उसमें कम से कम जो है 12 जो है वो क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो जब तक जो है वो रिलीज नहीं होगा या फिर एक्टिवेट नहीं होगा, तब तक जो है पूरी तरह से जो हम लोग का जो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ये जो जाल बन जाएगा, तो ये जो फाइनल स्टेप होता है क्लॉटिंग का, ठीक है। तो इसको बनने के लिए जो 12 क्लॉटिंग फैक्टर को जो है वो एक्टिवेट होना पड़ता है, जिसमें से एक्टिवेट होने के बाद जो फैक्टर नंबर जो 10 रहता है वो क्या करता है कि प्रोथ्रोम्बिन को क्या करता है, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फिब्रिनोजन जो है वो फिब्रीन में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ये फिब्रीन ही है जो क्या है वो ये जाल बना रहा है सर, फिब्रीन का ही जो है वो जाल यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। तो इस ये बनने के बाद क्या होता है कि अब इस तरह का जो क्लॉटिंग जो है वो पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि मैंने बताया था कि जो क्लॉटिंग प्रोसेस है वह एक जो है वो टेम्पररी मैकेनिज्म है। इसको परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा कि जो ये जो सेल है अगल बगल के वो क्या करे, सेल डिवीजन करके इसको जो है वो इसको या क्या करे, इसको जो है पूरा जो है वो कवर कर, न्यू जो है सेल डेवलप करके जो है उसको रिपेयर करे, ठीक है, हीलिंग करे इसको, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि जो ये फ्लग बना हुआ है, ठीक है, वो क्या होगा, इसके बाद जो है वो प्लेटलेट का फ्लग या प्लेटलेट जो भी बना हुआ है वो क्या होगा,
झरना चालू होगा। धीरे धीरे क्या होता है, इसके बाद जो फोर्थ स्टेप बताया था फ्यूरिनोलाइसिस, लाइसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, ठीक है। तो ब्रेकडाउन होगा इसका, किसका जो जाल बना हुआ है इसका जो है क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद जैसे जैसे ब्रेकडाउन होगा वैसे वैसे जो इसके जो आसपास के जो सेल हैं वो सेल डिवीजन करके जो है हीलिंग प्रोसेस जो है अपना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट करें तो जैसे जैसे क्या होता है ये पूरा हील होते जाता है और परमानेंट जो है वो वहां पे एक से न्यू सेल का डेवलपमेंट हो जाता है। तो उस वजह से क्या होता है कि हम लोग को कभी भी फ्यूचर में भी हम लोग को जहां पे कट लगा हुआ है वहां पे हम लोग उसको प्रेस वगैरह करेंगे या कैसे भी उसको प्रेस करते हैं तो वहां से ब्लीडिंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहां पे जो है न्यू सेल का जो है वो निर्माण हो चुका है। अगर ये प्लेटलेट जो यहाँ पे क्लॉट बन रहा है ब्लड क्लॉट वही अगर लाइफ लॉन्ग रहता तो अगर हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे तो फिर से जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जो है वो परमानेंट सॉल्यूशन जो है ब्लड क्लॉट नहीं है, ठीक है। इस वजह से इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पररी मैकेनिज्म, मतलब कि इंस्टेंट स्पॉन्टेनियस जो है हम लोग को ब्लड रोकने का, ब्लीडिंग रोकने का जो है वो काम करता है, ठीक है। तो ये था दोस्तों ब्लड क्लॉटिंग के बारे में पूरा मैंने बता दिया था कैसे क्या काम करता है, ठीक है। तो और भी इसी तरह का वीडियो चाहिए तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।